सुनिए, थोड़ा ऊपर जाएंगे। जाने वाले पूरा ऊपर जाते हैं, थोड़ा ऊपर कौन जाता है? अरे मैं छत में जाने की बात कर रही हूँ। अच्छा छत में जाना है, ये बोलो ना तो। मैंने सोचा। क्या सोचा? मैंने सोचा बोल रही हो, थोड़ा ऊपर जाके भगवान को झांक के आ जाओ। चलो तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो आ गई कम से कम। जाओ ना फिर ऊपर। थोड़ा नहीं लगाया इस बार, छत ही बेच रही हो ना। हाँ अब जाओ तो। कहाँ चढ़ रहे हो? उधर छत जा रहा हूँ ना। अब चोरी मेरा काम है, सबके छत में तो ऐसे ही चढ़ता हूँ ना। लेकिन मेरे चोर पति, ये तुम्हारा ही घर है, अपने घर में तो सीढ़ी से चले जाओ। हाँ चलो ठीक है। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। बड़ी भाभी आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर। मैंने कब याद किया तुम्हें? अरे अभी तो आप बोल रही थी, अरे उड़ जा काले कावा, तो मैं तो लगभग कौवा ही हूँ। वैसे हमारी देवरानी क्या कर रही हैं? अरे उसी ने तो मुझे छत भेजा था और काम नहीं बताया। पहुंच गए। क्या दिख रहा है? नीचे से पति दिख रहा है कि पुतला दिख रहा है? पति में पुतला दिख रहा है। क्या बोली हो? बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? रानी लग रही हो। थैंक यू। रानी, लेकिन राजा रानी वाली रानी नहीं, देवरानी वाली रानी। और क्या हो रहा है नेहा? अरे जेठानी जी आप भी छत में हैं क्या? हाँ तुम्हारे जेठ जी के कपड़े धोए थे ना, सोची सूखने के लिए डाल दूं। बड़ी भाभी यहाँ तो सारी साड़ियाँ ही सूख रही हैं, भैया के कपड़े तो हैं ही नहीं। अरे अच्छा शायद अभी धुलने के लिए नीचे रखे हैं। आज धूप कम सी निकली है ना जेठानी जी? हाँ मैं तो कब से बोल रही हूँ उनसे, पूरी फैमिली चोर है, इतनी सारी चीजें चुराते हो, एक वॉशिंग मशीन नहीं चोरी कर पा रहे हो? बड़ी भाभी आसपास के चार गांव में केवल एक ही घर में वॉशिंग मशीन है। तो एक की ही जरूरत है, मैं और जेठानी जी एक में ही धुल लेंगे कपड़े। क्या बात है, अकेले में एक दूसरे की खिंचाई करती हैं और अभी ऐसे हंस के बात कर रही हैं जैसे एक दूसरे के लिए किडनी भी डोनेट कर सकती हैं। क्या हुआ, कुछ बोले हो क्या? नहीं नहीं, जेठानी और देवरानी के बीच में इतना प्यार देख के मेरे मुंह में तो सच आ गया। कुछ अच्छा देख के तो आंखों में आंसू आते हैं। हाँ वही आंखों में आंसू। तो बताइए कब लाएंगे वॉशिंग मशीन चुरा के? अरे बड़ी भाभी जिनके यहाँ वॉशिंग मशीन है वो बहुत बड़ा आदमी है इलाके का, बहुत खतरा है, भैया कोशिश करें। नहीं भैया को तो जानते हो, वो ज्यादा दौड़ नहीं पाते इसलिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं। अच्छा जेठानी जी अभी जो दो सोने की अंगूठियां चुराई थी वो क्या था? तो अंगूठी तो छोटी होती है ना। लेकिन सोना तो महंगा है ना। तुम बड़ी जल रही हो मेरी सोने की अंगूठियों से। मैं बड़ी जल रही हूँ? आपकी अंगूठियों से तो बीड़ी भी ना जले। अरे कोई बात नहीं, मैं ही कोशिश कर लूंगा वॉशिंग मशीन चुराने की। तुम क्यों रिस्क लोगे अकेले, कपड़े तो सबके धुलेंगे उसमें। हाँ तो धुलेंगे ही ना, अभी बंटवारा थोड़ी ना हुआ है। तो दीजिए दो सोने की अंगूठियों में से एक मुझे दीजिए। वो सब बांटने की चीजें नहीं है। ठीक है जी तो चोरी कर लेना एक। पागल हो, अपने ही घर में चोरी करूंगा? अगर मेरे घर से कुछ भी गायब हुआ ना देख लेना, थाने में पहुंचा दूंगी। पापा भाभी भाभी गुस्से में ऐसी गलती मत करना, पुलिस वाले गलती से घर आ गए ना तो सभी चोरियों का खुलासा हमारे घर में हो जाएगा। हाँ तो फिर समझाओ ना नेहा को। अरे भाभी वो तो ऐसे ही गुस्से में बोल दिया उसने, है ना नेहा? गुस्से में बोलती तो एक अंगूठी चुराने का थोड़ी बोलती, दोनों चुराने का बोलती। देखो अभी तक तो मैं कम बोल रही थी ठीक, लेकिन अगर अब ज्यादा बोली तो अच्छा नहीं होगा।
अभी तक दो विश्व युद्ध हुए हैं और दोनों देशों के बीच में हुए हैं। अब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो देवरानी और जेठानियों के बीच में होगा।